कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 52वां जन्मदिन 19 जून को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेसियों ने अपने इस नेता के जन्मदिन पर केक काटा और हनुमान मंदिर पहुंचकर दीर्घायु की कामनाएं की। साथ में जिला अस्पताल बालाघाट में पहुंचकर मरीजों को फल, बिस्किट एवं कोल्ड ड्रिंक्स का वितरण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले, नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, दीपक रंगारे, केवल सिंह झारिया, नरेंद्र मेसराम, मकसूद खान, धर्मेंद्र बोपचे, साबिर मंसूरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजा सोनी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे नेता आदर्श और प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी का जन्मदिन है। आदर्श हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने आज उनका केक काट के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में केक काट कर जन्मदिन मनाया। इसके अलावा आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय में भी हम लोगों के द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह शेषराम रांगडाले और श्याम पंजवानी ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में एकमात्र ऐसे नेता है जो अपने राजनीतिक दूरदृष्टि से देश के भविष्य को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। वे देश में अब तक की सबसे बड़ी पदयात्रा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने भारत को जोड़ने और नफरत को छोड़ने की बात कर लोगों में एक अलग प्रकार की उम्मीद जगाई है। आज देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता उनके इस अभियान के साथ है और देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस में जो द्वारा पहले कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया, फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना की गई और उनके लंबी उम्र की कामना करते हुए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बने, ऐसे हमने आशीर्वाद दिया और राहुल गांधी को और शक्ति दी। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद कर जिन्होंने पूरा भारत देश नाप लिया, 4000 किलोमीटर लगातार पैदल यात्रा करने वाले जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलवा दी, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन है। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम पूरे कांग्रेस के साथियों ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी और उसके पश्चात हमारे इष्ट देव हमारे भगवान हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर उनकी दीर्घायु के लिए कामना की और तत्पश्चात जिला चिकित्सालय हम लोग पहुंचे हैं और यहां पर जो दीन दुखी मरीज हैं इन लोगों के साथ में हम लोग फल, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट बांटकर उनके दीर्घायु के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने यहाँ पर कामना की। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अलावा NHUI ने भी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में कार्यकर्ताओं ने देश में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश देकर छात्र छात्राओं को गुलाब का फूल प्रदान किया। NHUI के जिला अध्यक्ष विजय भौतेकर ने कहा कि हमारे ऊर्जावान और प्रेरणा स्रोत नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर देश भर में फैलाई जा रही नफरत को प्यार से जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए हम सभी कॉलेज में पहुंचकर छात्रों को गुलाब का फूल देकर नफरत के खिलाफ संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में उनके अलावा कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष जीतू बर्वे ने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत बांटते हुए हम सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष फरहान खान, सरिता उपवंशी, वैशाली तिवड़े, अंजलि यादव, शानू नकपुरे, मनीषा दसरे, करीना यादव, सतीश लिल्हारे, कलीम शेख, सोनू रणगिरे, राजेश्वरी, अभिनव प्रताप सिंह, हर्ष गुप्ता, जाबिर खान, सोहेल खान, अभिषेक यादव, तुलसी राम पंजरे सहित अन्य युवा मौजूद रहे। महाविद्यालय में आज हम हमारे सर्वमान्य नेता, युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। आज हम सभी छात्रों को गुलाब के रूप में भेंट करके आज हम ये बताना चाह रहे हैं जिस तरह से आज देश में नफरत का वातावरण चला, जिस तरह से आज सभी भाइयों को आपस में जाति धर्म में बांटा जा रहा है, तो राहुल गांधी जी का उद्देश्य और जो उनने आज हमें एक मोहब्बत और एक सबको साथ में लेने की जो भारत जोड़ो यात्रा आज उन्होंने निकाली थी, आज देश में देख रहे हैं कि सभी जगह नफरत फैली हुई है। राहुल गांधी जी का मुख्य उद्देश्य है देश में एकता और सभी के बीच में प्यार और आपस में भाईचारा बने रहे, उसी उद्देश्य को लेकर आज हमने यहाँ पर सभी छात्रों को गुलाब भेंट कराए और हम हमारे नेता को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें उनकी दीर्घायु हम बहुत बहुत कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।